हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलएस ब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट ऑर्डर और कवर ऑर्डर, उसका डिफरेंस क्या है और ब्रेकआउट ऑर्डर और कवर ऑर्डर का बीच में। सो ये देख सकते हैं आप एलएस ब्लू का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीड मैंने ओपन करके रखा हुआ है, लीड चार्ट। तो आप एलएस ब्लू में ब्रेकआउट ऑर्डर और कवर ऑर्डर दोनों एमसीएक्स में है, तो आप यहाँ पे ब्रेकेट ऑर्डर डाल के भी ट्रेडिंग कर सकता है और कवर ऑर्डर डाल के भी ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन इसका बीच में डिफरेंस क्या है ब्रेकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर, तो उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कवर ऑर्डर का। कवर ऑर्डर आपको शॉर्ट की होता है F1 फॉर बाइंग। सो अगर बाय करना चाहता है तो आप शिफ्ट दबा के F1 दबाएंगे तो वो जो स्क्रीन आएगा ये ब्रेकेट ऑर्डर, ठीक है। और कवर ऑर्डर के लिए शॉर्ट की है शिफ्ट F3 फॉर बाइंग, ये है ब्रेकेट ऑर्डर, राइट। तो सेल के लिए कवर ऑर्डर सेल लगाना है तो आपको शिफ्ट दबा के F2 दबाना है, ये कवर ऑर्डर सेल है। और ब्रेकेट ऑर्डर सेल के लिए शिफ्ट दबा के F दबाना है, ये सेल ब्रेकेट ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे भी शॉर्ट की है, तो जैसे आप देखा ये ऑर्डर में ये दोनों ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ब्रेकेट ऑर्डर बाय एंड सेल एंड ये है कवर ऑर्डर बाय एंड सेल। तो इसका बीच में डिफरेंस क्या है, चलो मैं देखता हूँ अभी। ब्रेकेट ऑर्डर बाय, तो यहाँ पे देख सकता है ये कवर ऑर्डर। तो कवर ऑर्डर में सिर्फ आपको SL लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपने। और ब्रेकेट ऑर्डर का और एक ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लिमिट और मार्केट। तो लिमिट का मतलब होता है, मतलब अभी सपोज ये मैंने लीड ओपन करके रखा हुआ है, सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। सो सपोज ये पहले लोअर पॉइंट था, राइट। इसका नीचे में अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पे सेल लेना है, तो मतलब 148.55, ठीक है। तो मुझे अगर लगा यहाँ पे यहाँ तक अगर मार्केट आ गया तो यहाँ ऑटोमेटिक सेल लेना है। तब ऐसा ऑर्डर देने के लिए आपको एक लिमिट क्लिक करना है, तो नेक्स्ट आपको ये है क्वांटिटी और एक ऑप्शन है यहाँ पे प्राइस, राइट। प्राइस देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना 148.55। तो अगर ये लिमिट में आपको बाय लेना है तो यहाँ पे आपको लिखना है 148.55। दैट मींस ये प्राइस जब नीचे 148.55 आ जाएगा तब ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय ले लेगा, ये कवर ऑर्डर में है। और आपको SL लगाना है, सपोज यहाँ पे जो इसको ट्रिगर प्राइस बोलता है, तो SL कहाँ लगाएंगे। तो SL का एक ऑप्शन दिया हुआ है और भी एक, मैं यहाँ नीचे में एक सपोज यहाँ पे मैंने बाई किया तो यहाँ और एक ड्रॉ कर देता मैं, यहाँ ये लाइन आ गया आपका 4822। तो आपको ट्रिगर प्राइस कहाँ देना है, जैसे 4822, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको 148 पॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ है 22, लेकिन ये अगर 22 डालेंगे तो ये ब्रेकेट ऑर्डर जो होता है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसके लिए उसको हम ये फिगर में देना पड़ेगा, जैसे 05 और यहाँ पे 22 है तो हम यहाँ पे 20 दे सकता है, नहीं तो 25 दे सकता है। तो ये है, लेकिन ये ब्रेकेट ऑर्डर में आपको टारगेट नहीं होता है। सो ये ब्रेकेट ऑर्डर का यही है, आप यहाँ पे टारगेट नहीं लगा सकता, यहाँ पे SL लगा सकता है सिर्फ। और एक ऑप्शन है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं मार्केट, ठीक है। और मार्केट जो आप सिलेक्ट करेंगे, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है जैसे 149.10, तो अगर यहाँ पे मार्केट करके हम सबमिट करेंगे, अभी जो करेंट प्राइस है वहाँ पे बाय हो जाएगा। अभी बात करेंगे हम ब्रेकेट ऑर्डर के ऊपर, वो था कवर ऑर्डर, अभी ब्रेकेट ऑर्डर। तो ब्रेकेट ऑर्डर में एक बात है, यहाँ पे आप जैसे कवर ऑर्डर में हमने SL लगा सकता था, वहाँ पे
लेकिन टारगेट सेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप जो होता है कवर ब्रेकेट ऑर्डर, यहाँ पे आप दोनों, जैसे आपने यहाँ पे एसएल लगाया और यहाँ पे आपने टारगेट सेट किया, जैसे ये टारगेट था, टारगेट है आपका, तो यहाँ पे आप टारगेट लगा सकता है यहाँ पे। तो लेकिन जैसे ब्रेकेट ऑर्डर में हमें जो एसएल में जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे हमने उसका प्राइस दिया था, जैसे कि आप प्राइस दिया था वहाँ पे 148.20, राइट। लेकिन ये जो ब्रेकेट ऑर्डर है यहाँ पे आप प्राइस ऐसा नहीं दे सकता है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से आपने जो बाय लिया हो सपोज 148 और 148.22, तो यहाँ से कितना पॉइंट नीचे है, अराउंड 30 पॉइंट नीचे है, ठीक है, राउंड फिगर मैंने बोला। तो यहाँ पे आपको जो होता है 0.30 वो प्लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे प्राइस दिया हुआ है 150.5, तो आप यहाँ से 150.05 ऐसे आप नहीं लिख सकता, तो क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ ये जो 148.65 से 150 जितना पॉइंट है वो पॉइंट डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 रुपया ऑलमोस्ट 1.50 रुपीज का कुछ आता है, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 1.5 मतलब 1.5 रुपया, ठीक है, यही डिफरेंस होता है ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर का। और ब्रैकेट ऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जहाँ आपको कवर ऑर्डर में, जैसे आप मैंने डाला कवर ऑर्डर, तो कवर ऑर्डर में कोई आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, राइट, यहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स है। और आप देख सकते हैं कवर ऑर्डर जो होता है या ब्रैकेट ऑर्डर, वहाँ पे एक ट्रेलिंग है, और ट्रेलिंग और इसका बारे में मैं डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे इसको प्लेस किया जाता है, एक्चुअली क्या है ब्रैकेट ऑर्डर, तो आप वो पहले वाला वीडियो भी देख सकता है। और ये ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर दोनों आप इंटरडे ट्रेडिंग के लिए है, और एल एस ब्लू ने आपको इंटरडे में ये जो ब्रैकेट ऑर्डर होता है, जैसे ये ब्रैकेट ऑर्डर सॉरी कवर ऑर्डर, यहाँ पे भी 20 टाइम्स एक्सपोजर देता है एमसीएक्स में, और आप अगर डालेंगे ब्रैकेट ऑर्डर इसमें भी आपको 20 टाइम्स एक्सपोजर देता है। So I hope you enjoy this video. If you have any inquiry, so you can write or comment below. Thanks for watching.